दक्षिण कश्मीर कुलगाम में मुठभेड़ में अब तक सेना के 3 जवान एक पुलिस अधिकारी जख्मी हैं, सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। 2 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है, सुरक्षा बलों ने की घेराबंदी, जंगलों में ऑपरेशन। राजधानी दिल्ली में दर्दनाक घटना, 4 दिव्यांग बेटियों को मारकर पिता ने की खुदकुशी, पिछले साल कैंसर से पत्नी की हुई थी मौत। दिल्ली के महिपालपुर में होटल इंप्रेस की बार फायरिंग, गोल्डी बराड के नाम से पहले मालिक को मिली धमकी। त्योहारी सीजन में मुंबई को दहलाने की हो सकती है साजिश, खुफिया इनपुट्स के बाद हाई अलर्ट पर शहर। रात के सोमनाथ में स्थानीय पुलिस का मेगा डेमोलिशन ड्राइव, अब तक की सबसे बड़ी मुहिम सोमनाथ में की गई शुरू। सुबह 5 बजे 36 जेसीबी, 50 से ज्यादा ट्रक्स के साथ अवैध निर्माणों को हटाया गया, पूरे इलाके को सुरक्षा छावनी में तब्दील किया गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को पाकिस्तान से धमकी भरा फोन, मंत्री का दावा, आज तक से खास बातचीत में बोले गिरिराज सिंह, देश के लिए कोई भी खतरा मोल ले सकते हैं। ओडिशा के मयूरभंज में एक हाथी ने 4 लोगों की जान ले ली और 3 लोग जख्मी हैं, वन विभाग ने एक्शन लेते हुए जंगली हाथी को बेहोश किया। दरभंगा में ट्रेन के इंजन से कटकर 3 महिला की मौत हो गई, तीनों महिला एक ही परिवार की थी, इलाके में कोहराम है। उन्नाव में एक बार फिर से बदमाश और पुलिस में मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से जख्मी। उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर के पास दुर्घटना, प्रशासन ने सड़क साफ कराकर लगाए बैरिकेड्स। उदयपुर में 5 साल की बच्ची के शिकार के बाद पिंजरे में तेंदुआ कैद, कई दिनों से आदमखोर की तलाश थी। असल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया, बोले किसानों का मुखौटा पहनकर कुछ लोग दिल्ली में लाल किले पर चढ़ गए थे, वो किसान नहीं थे। लेकिन देश का आजादी का प्रतीक है लाल किला का तिरंगा, उसके ऊपर आप चढ़ रहे। तो कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा का भी बयान आया, बोली किसानों से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। राहुल गांधी जी की कमिटमेंट है किसानों के प्रति और भाजपा की किसानों से कोई भाजपा का वास्ता नहीं है। शिमला में देवभूमि संघर्ष समिति मस्जिद विवाद को लेकर राज्यव्यापी प्रदर्शन करेगी, दिन में अभी 11 बजे से शुरुआत। कश्मीर में तीसरे चरण में चुनाव प्रचार काफी तेज, प्रधानमंत्री मोदी आज जम्मू में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए आज 2 रैलियां हैं, 11 बजे कठुआ और दोपहर 12:30 बजे जम्मू में भरेंगी चुनावी हुंकार। तीसरे चरण के चुनाव से पहले जेपी नड्डा की जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर जमकर हमला बोला, कहा कांग्रेस और एनसी देश विरोधी तत्वों का समर्थन कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला बोलते हुए कहा परिवारवादी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने आपस में सौदा किया, उन्हें जम्मू कश्मीर के लोगों से कोई लेना देना नहीं। मैं ये भी कहूंगा कि आईएनसी और एनसी ये 2 फैमिलियों का पॉलिटिकल डील है, इनको जम्मू के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, इनका जम्मू से कोई रिश्ता नहीं है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा का बयान आया, बोले 3 अक्टूबर को जारी होगी बीजेपी का झारखंड चुनाव के लिए मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र। हरियाणा में चुनावी अभियान के बीच गृहमंत्री अमित शाह ने अंबाला और कुरुक्षेत्र के लाडवा में बंपर रैली की, विपक्ष पर जमकर बरसते नजर आए, का भ्रामक खबरें फैलाते हैं राहुल गांधी। अमित शाह ने सेना को लेकर कांग्रेस पर किया प्रहार, बोले कांग्रेस हमेशा सेना का अपमान करती है, सेना अध्यक्ष को गुंडा बोलने वाली घटना का भी जिक्र किया। नौकरी को लेकर भी अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कांग्रेस सरकार में डीलर दलाल नियुक्ति पत्र देते थे लेकिन बीजेपी में डाकिया देकर आता है। हिमाचल में नेम प्लेट विवाद में मंत्री विक्रमादित्य को कांग्रेस की सख्त नसीहत, पार्टी विचारधारा से अलग नहीं जाने का निर्देश। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ दर्ज हुआ मामला, मुडा स्कैम में जांच पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने किया था इनकार। एफआईआर से पहले सीएम सिद्धारमैया ने विपक्ष पर लगाया सरकार गिराने का आरोप, कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, यह हमारी सरकार को और स्थिर करने की कोशिश। नहीं थम रहा तिरुपति मंदिर मामले पर विवाद, जगन रेड्डी की पार्टी का पुलिस पर आरोप, कहा पुलिस राजनीतिक प्रभाव में आकर नेताओं को कर रही नजरबंद। सूत्रों के हवाले से खबर, एसआईटी टीम आज तिरुपति का दौरा करेगी, तिरुपति में अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। इंदौर में श्री लक्ष्मी वेंकटेश देवस्थानम छात्री बाग से निकाला गया शांति मार्च, तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट का विरोध।
प्रसादम मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी और देवस्थानम ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष सहित तीन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 30 सितंबर को सुनवाई करेगा। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य जोरों से प्रगति पर है। दिसंबर के अंत तक या मकर संक्रांति तक हो सकता है पूरा। भारतीय जनता पार्टी का नेता आचार्य पवन त्रिपाठी को मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर का कोषाध्यक्ष बनाया गया है। युवाओं के लिए गुजरात सरकार ने खोला पिटारा। वर्ष 2025 में 14,820 राज्य पुलिस बल और 245 सिविल स्टाफ पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। एमसीडी के नेता विपक्ष बीजेपी पार्षद राजा इकबाल सिंह ने याचिका दायर करके शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाई है। याचिका में मेयर शैली ओबेरॉय पर नियमों के उल्लंघन का आरोप है। उपराज्यपाल के आदेश के बावजूद स्थायी समिति का चुनाव 5 अक्टूबर तक टालने को बताया अवमानना। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाने की मांग की है। 2019 में विपक्षी नेताओं की फोन टैपिंग में शामिल होने का आरोप लगाया। रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद छवि रंजन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। आज यूएनजीए जनरल डिबेट में भारत का पक्ष रखेंगे भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। नो वन बिहाइंड है डिबेट की थीम। ज्ञानवापी को लेकर एडिशनल एएसआई सर्वे की मांग वाली याचिका पर वक्फ बोर्ड की बहस हुई पूरी। अगले 3 अक्टूबर की तारीख पर मस्जिद कमेटी बहस करेगी। जबकि सहारनपुर में मनरेगा और अन्य मजदूरी दरें बढ़ाने पर चंद्रशेखर और उनकी पार्टी ने उठाई आवाज। दरें बढ़ाने की मांग। यूपी के बांदा में दिव्यांग बच्चों ने कॉलेज में ताला लगाकर किया हंगामा। छात्रों ने टीचर बढ़ाने की मांग। स्मार्टफोन और ब्लाइंड इंस्ट्रूमेंट्स की मांग रखी। हल्द्वानी में हिंदुवादी संगठन और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। एक युवती के साथ कमरे में पकड़ा गया था दूसरे समुदाय का युवक। देहरादून रेलवे स्टेशन पर नाबालिग युवक युवती को आरपीएफ के जवानों ने रोका। लड़की के परिजनों ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। पद्म पुरस्कार से सम्मानित कोयंबटूर की महिला किसान पपम्मल का 109 वर्ष की आयु में निधन। सीहोर में तेज बारिश से मार्केट की सड़कें जलमग्न है। रास्तों पर 2 से 3 फीट तक पानी जमा है। जूनागढ़ में भारी बारिश से दिखा खौफनाक दृश्य। दामोदर कुंड ने पकड़ा रौद्र रूप। सैलाब में तैरते दिखे वाहन। सुपौल के कोसी बराज से करीब 4,20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। गोरखपुर में भी मौसम का हाल यही है। शहर में हुई झमाझम बारिश। देहरादून में जलवायु परिवर्तन के कारण उत्तराखंड में भूस्खलन। अधिकारियों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण उत्तराखंड में भूस्खलन और बारिश में तेजी आ रही। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद गंडक नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। बगहा में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गंडक बैराज से अगले 24 घंटों में 5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ने की संभावना है। निचले इलाकों में बाढ़ आने की संभावना आशंका है। सुपौल में लगातार हो रही भारी बारिश को लेकर सुपौल डीएम ने कोसी इलाके में हाई अलर्ट जारी किया है। यूपी के संबल में लोगों ने सड़कों पर अतिक्रमण करके बनाए घर। अब संकरी सड़कों से लोग परेशान। बेगूसराय में 23 सितंबर से लापता ई रिक्शा चालक का शव आज खेत से बरामद किया गया। बदमाशों ने बेरहमी के साथ कत्ल को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश के हरदा में कॉलेज में शराब की बोतल मिलने के आरोप पर हंगामा हुआ। पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रचार ने पकड़ी एबीवीपी नेता की कॉलर। बरेली में 7 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की कोशिश। बच्ची के शोर मचाने पर भीड़ ने आरोपी को दबोचा पीटा जमकर। आरोपी ने बच्ची को जान से मारने की कोशिश की थी। छपरा में सौतेली बेटियों ने ही कर दी मां की हत्या। पुलिस को भी मृतका की आवाज में फोन कर बरगलाने की कोशिश की। धौलपुर में पिता मासूम बच्चों को गर्म चिमटे से उसने जख्म दिए। बच्चों ने चाइल्ड हेल्पलाइन से मदद मांगी। आरोपी पिता फरार। आरा में शराब पार्टी के दौरान हथियारबंद बदमाशों ने एक अधेड़ व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों ने बहाने से बुलाकर निशंस हत्या करने का आरोप लगाया। अभी फरार है। देवरिया में आरएसएस कार्यकर्ता ने रोते हुए उसके और बेटी के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार को लेकर सीएम और एसपी से लगाई न्याय की गुहार। वीडियो वायरल हुआ। 3 कांस्टेबल्स लाइन हाजिर हुए। हल्द्वानी में दिव्यांग स्थानीय लोक कलाकार के साथ पुलिस की अभद्रता का मामला। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल। उदयपुर की एक यूनिवर्सिटी में छात्रों ने महिला प्रोफेसर को जमकर धमकाया। प्रोफेसर से सामने छात्रों ने जमाई पिता के कलेक्टर होने की धौंस। धमकी भरा वीडियो वायरल हो रहा है। गोपालगंज में तांत्रिक के वेश में शख्स निकला है वान। इलाज के बहाने वान की युवती से गैंगरेप। 2 तांत्रिकों सहित 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में। वाराणसी में सोशल मीडिया पर उच्च अधिकारियों को गाली देकर वीडियो वायरल करना पड़ा शख्स को भारी। पुलिस ने किया इसे गिरफ्तार। इंदौर बीजेपी मंडल अध्यक्ष और पुलिसकर्मियों के बीच नोकझोंक। मामले में 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड।
बुकमाई शो के सीईओ सीटीओ को मुंबई पुलिस का समन, आज होंगे दोनों के बयान दर्ज। कोल्डप्ले कॉन्सर्ट के टिकट की ब्लैक मार्केटिंग का यह मामला है। हैरी पॉटर एक्ट्रेस डेम मैगी स्मिथ का निधन, 89 साल की उम्र में लिया आखिरी सांस, जीते थे 2 ऑस्कर अवार्ड। शिमला की बेटी का लापता लेडीज में मुख्य किरदार, ऑस्कर अवार्ड के लिए चुनी गई फिल्म, सीएम सुक्कू ने दी प्रतिभा रांटा को बधाई। आईआईएम अहमदाबाद में एडमिशन लेने पर ट्रोल हुई नव्या नंदा, सोशल मीडिया पर फैली नकारात्मकता को लेकर नव्या ने तोड़ी चुप्पी। नई फिल्म के लिए रणवीर सिंह ने किया ट्रांसफॉर्मेशन, पहले ही बना चुके हैं जबरदस्त बॉडी, सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीरें। तृप्ति डिमरी फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो को लेकर फिर से चर्चाओं में आई, फिल्म का नया गाना मेरे महबूब हाल ही में हुआ है रिलीज। बॉलीवुड डेब्यू कर रहे वरुण धवन की भतीजी अंजनी, जल्द होगा ऐलान। फिर चर्चा में आया तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो, मेकर्स पर भड़की सोनू। एक्ट्रेस पलक सीधे आनी, यानी कि सोनू भिड़े छोड़ना चाहती हैं शो। देश आज मना रहा है सुर सामरागी लता मंगेशकर जी का जन्मदिन, पुरी में सैन आर्टिस्ट ने बनाई लता मंगेशकर जी की शानदार तस्वीर।